शुक्रवार की रात दिल्ली से पटना लौटे लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज अचानक से पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। पार्टी ऑफिस में पहुंचे तेज प्रताप यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अपने पास तलब किया। डेढ़ घंटे तक नाटक चलता रहा और आखिरकार गुस्से से तमतमाए हुए जगदानंद सिंह पार्टी ऑफिस से निकल गए। ड्रामे की शुरुआत तब हुई जब तेज प्रताप यादव शनिवार की दोपहर राजद के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहां पहले से ही प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने कमरे में बैठे हुए थे। तेज प्रताप यादव अपने समर्थकों के साथ पार्टी ऑफिस पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के चैम्बर में जा बैठे। थोड़ी देर बाद तेज प्रताप यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ बैठे प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को अपने पास तलब किया। मृत्युंजय तिवारी को तेज प्रताप यादव ने अपना संदेश दिया और तिवारी वहां से निकलकर वापस जगदानंद सिंह के चैम्बर में चले गए। इस बीच पार्टी ऑफिस में मीडिया की ढेर सारी टीम पहुंच गई थी। तेज प्रताप यादव के समर्थकों ने खबर दी कि तेज भैया ने जगदानंद सिंह को अपने पास तलब किया है। उधर जगदानंद सिंह को अपने कमरे में तेज प्रताप की गतिविधियों की खबर मिल रही थी। थोड़ी देर बाद वे अचानक अपने कमरे से बाहर निकले। चेहरे पर उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। मीडिया ने घेरा तो जगदानंद सिंह ने कहा कि ऐसा करोगे तो कल से पार्टी ऑफिस में एंट्री बंद करवा देंगे। उसी गुस्से में जगदानंद सिंह ऑफिस से बाहर निकले और घर के लिए रवाना हो गए। ये मत कह रहा हूं, बहुत बुरा कर रहे हैं, कल से आने नहीं देंगे किसी को। मुलाकात होगी सर, प्रताप जी आए हैं, मुलाकात होगी। चलिए चलिए।